दोस्तों आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख के थोड़े हैरान हो गए होंगे क्योंकि आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ अजीबोगरीब कैरेक्टर दिख रहे हैं, लेकिन यही कैरेक्टर को हमें प्रिंट करना है। क्या करना है? तो यही कैरेक्टर को हमें प्रिंट करना है। तो हम इस कैरेक्टर को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं? मान लो हमारा ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हमें कोई अल्फ़ाबेट चाहिए, जैसे ए बी सी डी, ऐसे हमें कुछ अल्फ़ाबेट चाहिए, या हमें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में से कोई कैरेक्टर को यूज़ करना है, जैसे कि हमारे हिंदी लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज में से हमें कोई कैरेक्टर को यूज़ करना है, या कोई पंजाबी लैंग्वेज है या कोई जापानीज लैंग्वेज है, तो उसमें से जो कोई कैरेक्टर को हमें यूज़ करना है, तो उस कैरेक्टर को हम पाइथन प्रोग्राम में किस तरीके से करते हैं, तो चलो इसको हम देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयकाश और आप देख रहे हैं इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए दिमाग का ढक्कन खोल के सीखते सिखाते कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पाइथन आईडीएल को फिर से एक बार ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ आईडीएल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम पाइथन में कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, मतलब जितने यूनिकोड में कैरेक्टर है। तो यूनिकोड के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउजर पे विकिपीडिया की एक लिंक ओपन कर ली है, लिस्ट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग यूनिकोड को सपोर्ट करते हैं, मतलब पाइथन 3 जो वर्जन है वो यूनिकोड को सपोर्ट करता है और पाइथन 2 आस्की को सपोर्ट करता है। और आपको यूनिकोड चाहिए पाइथन 2 में तो आपको यू लगाना पड़ता है प्रीफिक्स, ठीक है, उसके बारे में छोड़ दो। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिकोड में टोटल कितने कैरेक्टर है, 137,000 कैरेक्टर है, और इतने कैरेक्टर को हमें प्रिंट करना है। और मान लो कोई पर्टिकुलर नंबर पे कोई कैरेक्टर है उसको हमें यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, तो पाइथन प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन है CHR, इसका मतलब होता है कैरेक्टर। जैसे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप, उसी तरीके से ये कैरेक्टर फंक्शन काम करता है। आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में जो ABCD है उसको कोई पर्टिकुलर नंबर दिया रहता है, तो मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 65 और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टर फंक्शन ने हमें ए दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जो कैरेक्टर फंक्शन है उसको हमने कोई इंटीजर वैल्यू दी, तो वो कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है कि जो यूनिकोड में उस पर्टिकुलर नंबर पे कोई कैरेक्टर असाइन है उस कैरेक्टर को रिटर्न करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ CHR, उसके बाद यहाँ पे लेता हूँ मैं 90। अब 90 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 65 से लेकर 90 तक कैपिटल A से कैपिटल Z वैल्यू रहती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कैपिटल Z मिल चुका है। उसके बाद हमें चाहिए स्मॉल a, तो स्मॉल a की जो वैल्यू है वो 97 रहती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 97 में a मिला है। उसी तरीके से हमें Z चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 122, तो यहाँ पे हमें स्मॉल Z मिल चुका है। तो इस तरीके से आप कोई अल्फाबेट को ले सकते हो, ये तो हो गए इंग्लिश के अल्फाबेट। अब मान लो मुझे बहुत सारे अल्फाबेट को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप यूज करता हूँ, फॉर उसके बाद आई इन रेंज, यहाँ पे लेता हूँ मैं रेंज। अब मुझे क्या करना है, 0 से लेकर 122 तक के पूरे कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रेंज डिक्लेयर करता हूँ 0 से लेकर 123, ठीक है, क्योंकि मुझे 122 तक चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ कोलन, उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रिंट, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है, क्या करना है, मुझे कैरेक्टर प्रिंट करना है उस पर्टिकुलर नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, तो यहाँ पे मिलता हूँ कैर फंक्शन, उस कैर फंक्शन को मैं क्या करता हूँ आई की वैल्यू दे देता हूँ। अब जैसे मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो 0 से लेकर 222 तक जो भी कैरेक्टर उस नंबर पे असाइन है तो उस कैरेक्टर को CHR फंक्शन हमें रिटर्न करेंगे। चलो एंटर बटन दबाते और देखते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से यहाँ पे मैं एंटर बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर नंबर पे जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको कोई कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो उस कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए CHR फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैपिटल A से लेकर स्मॉल Z तक के पूरे कैरेक्टर को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ नीचे। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेंज को चेंज करना है, क्या करना है रेंज। अब आपको पता है कि जो कैपिटल है उसकी रेंज है 65, तो हमें 65 लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा एंड पॉइंट कितना है 122, मतलब 122 पे हमारा स्मॉल Z है, तो इसलिए हमने क्या किया 123 लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंट फंक्शन क्या करता है, एक कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा, हमें नेक्स्ट लाइन में सेकंड कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमें उसी लाइन में चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्पेस का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉमा देता हूँ, उसके बाद एंड इक्वल्स टू डबल कोटेशन, यहाँ पे मैं लेता हूँ स्पेस। अब इसको हम एंटर बटन दबाते हैं और देखते क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट फंक्शन ने पूरे के पूरे कैरेक्टर को प्रिंट कर लिया है। तो इस तरीके से आप दोस्तों CHR फंक्शन का इस्तेमाल करके यूनिकोड के पूरे कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट, और हमारी रेंज स्टार्ट करता हूँ 0 से लेकर, क्योंकि मुझे यूनिकोड के पूरे कैरेक्टर को प्रिंट करना है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 1,37,000,000, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं लेना है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, चलो इसके प्रिंट करके देखते हैं। अब ये कैरेक्टर प्रिंट होते रहेंगे, तो आप क्या करो, अब खुद प्रैक्टिकल करके देख लो।
तो आशा करता हूँ दोस्तों दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।